हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमिता तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। जब हम किसी कपल को इनफर्टिलिटी के लिए HSG टेस्ट एडवाइस करते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि HSG टेस्ट क्या होता है, HSG टेस्ट से क्या पता चलता है, इसको किस दिन किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता, इसमें खर्चा कितना आता है और HSG टेस्ट के बाद प्रेगनेंसी होने के रेट पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपने इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, और अगर इसके अलावा भी इस टॉपिक पे आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। HSG का फुल फॉर्म होता है हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी, यानी कि यूट्रस की कैविटी और ट्यूब का इमेज लेना। महिलाओं में बच्चेदानी के दोनों तरफ ट्यूब होता है। नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए इस ट्यूब का खुला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडा जो है वो अंडाशय से और शुक्राणु जो है योनि मार्ग से ट्यूब में आते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और इस तरह से प्रेगनेंसी होती है। तो इस ट्यूब को देखने के लिए कि खुला है कि नहीं, हम पेशेंट को HSG टेस्ट एडवाइस करते हैं। HSG टेस्ट जो होता है वो पीरियड के 6वें से 10वें दिन के बीच में कराना होता है। 6वां दिन हमने इसलिए लिया क्योंकि उस समय तक ज़्यादातर महिलाओं में ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अगर इस टेस्ट को हम ब्लीडिंग के टाइम पे करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जो ब्लड होता है उसकी वजह से टेस्ट के रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इस टेस्ट को 10वें दिन के बाद कराते हैं और तो उसमें क्या नुकसान होता है, अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी हुई तो ये प्रेगनेंसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। जिस दिन आपका HSG टेस्ट होना है उस दिन आपको खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का नाश्ता ले सकते हैं आप सेंटर पे जाने से पहले। जब आप सेंटर पे जाते हैं तो आपको प्रोसीजर से 30 मिनट से एक घंटा पहले दर्द कम करने का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि HSG जो है वो पेनफुल प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब प्रोसीजर होता है उसमें योनि के रास्ते बच्चेदानी से मुख से होते हुए एक HSG कैनुला डाला जाता है, और फिर इस कैनुला के माध्यम से एक रेडियोपेक डाई पुश की जाती है धीरे धीरे, जो कि पहले बच्चेदानी की कैविटी में जाती है और फिर दोनों ट्यूब में जाती है। और अगर आपका ट्यूब खुला हुआ है तो डाई जो है वो ट्यूब के एंड से गिरती हुई दिखाई देती है पेट के निचले हिस्से में, और जिसका एक्सरे ले लेते हैं और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ट्यूब खुला हुआ है। अगर ट्यूब बंद है तो ये डाई वहीं पे जिस जगह पे ट्यूब बंद है उसके आगे नहीं जाएगी, और इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि ट्यूब बंद है और किस जगह पे बंद है। इस प्रोसीजर में लगभग आधा घंटा लगता है, और इस प्रोसीजर के बाद आप जब भी कंफर्टेबल रहेंगे हो जाएंगे आपको घर जाने को बोल दिया जाता है। इस प्रोसीजर के लिए एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद प्रोसीजर के बाद आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक एडवाइस किया जाता है। कई सारे पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि क्या कोई ऐसा ही प्रोसीजर है जिसमें कि हमें बिल्कुल भी पेन ना हो। तो हाँ फ्रेंड्स, HSG टेस्ट को एनेस्थीसिया में भी किया जाता है, लेकिन इसका खर्चा ज़्यादा होता है। अगर हम नॉर्मल HSG के खर्चे की बात करें तो वो लगभग 2000 से 3000 तक होता है, जो कि सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। HSG की रिपोर्ट आपको उसी दिन मिल जाती है और आप उसी दिन घर जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या HSG के बाद प्रेगनेंसी अपने आप हो जाती है, प्रेगनेंसी होने की रेट बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, किसी किसी पेशेंट में जब हम डाई पुश करते हैं तो डाई जो है वो ट्यूब को फ्लश करते हुए जाता है, तो कभी कभी अगर थोड़ा ब्लॉकेज हुआ तो वो खुल भी जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को HSG कराने के बाद अपने आप प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस तरह से किसी किसी पेशेंट को बेनिफिट हो जाता है। जब HSG की रिपोर्ट आती है और अगर इसमें आपका ट्यूब खुला हुआ है तो इनफर्टिलिटी के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी बाकी जाँचें कैसी हैं और आपको इनफर्टिलिटी क्यों हो रहा है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं फ्रेंड्स, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लेकिन अगर HSG टेस्ट में आपकी ट्यूब ब्लॉक आ जाती है तो आगे ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए एक अलग टेस्ट होता है, जो कि दूरबीन विधि से होता है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको वो टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी। जब HSG में ट्यूब ब्लॉक आता है तो
तो इसमें कितना परसेंट चांस है कि सच में आपकी ट्यूब ब्लॉक है। और जब लैप्रोस्कोपी करते हैं, दूरबीन विधि से जांच करते हैं, तो इस जांच को कैसे किया जाता है, इसमें क्या बेनिफिट है, इस पर मेरा एक और वीडियो है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।